हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, हम शाम के 3 बज रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, और नाश्ते में बनाया हमने ब्रेड रोल। तो हमारे यहाँ दिवाली में जो है पकौड़े बनते हैं, कढ़ी बड़ी बनती है, यही सब बनता है। तो हमने सोचा शाम को नाश्ते में ही पकौड़े बना दिए जाएँ। तो बच्चों की फरमाइश थी कि ब्रेड रोल बना दिया जाए, तो हमने आलू बॉयल कर लिया है। और देखिए कि थोड़ा सा तेल डाल के जीरा डाल दिया है, उसके बाद 2 हरी मिर्चें, एकदम छोटा सा प्याज कट करके एकदम महीन चॉप किया है। और उसको अच्छे से भूनने के बाद हम वही डेली यूज के मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और जब सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो बस उसमें हमने धनिया पत्ती ऐड करके आलू को उसमें डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। हम इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि एक बार आप लोगों को ब्रेड रोल का हम वीडियो बता चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। और पूरी दिवाली की एक वीडियो डालनी है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो देखिए, हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं आलू के। और अब हमने पानी में थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दिया है, और ब्रेड को उसमें भिगो के पानी अच्छे से हाथ से हथेलियों से गार के उसमें आलू डाल डाल के गोल या लंबे जैसे भी चाहें आप अंडे के आकार का बना सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं है तो ब्रेड के किनारे भी निकाल सकते हैं। तो घर में ही खाना था तो हमने ब्रेड के किनारे नहीं निकाले। अगर आपको मेहमानों के लिए बनाना है तो आप ब्रेड के किनारे निकाल के उसको बना सकते हैं। जैसी आपकी पसंद, अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये देखिए, हमारे लगभग हमने गोल गोल आकार में बनाए हैं, और तेल गर्म होने के बाद डाल दिए हैं। और ये देखिए, हमारे ब्रेड रोल तैयार हैं। हमने गोभी के भी पकौड़े बनाए थे, थोड़े आलू के, और लगभग हमारे सारे पकौड़े नाश्ते के लिए तैयार हैं। और इधर बेटी ने जो है दीपक को जो है धुल के किचन में ही रेक पे बुना दिया था, ताकि वो जो है पानी उसका अच्छे से गर जाए। और दीपक को धुलने से दीपक अच्छा जलता है, और फल भी धुल के हमने रख दिए थे जो प्रसाद में हमें चढ़ाना है। तो देखिए कितने अच्छे से दीपक को उसने धुल के सजाया है। तो बस, और इधर बेटी जो है बाहर रंगोली बना रही है बरामदे में। देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई है उसने। और इधर हम नाश्ता बना रहे थे, और उधर वो रंगोली बना रही थी। और 3 रंगोली उसने बनाया था, एक बाहर बरामदे में, एक पूजा के पास, और एक आंगन में जहाँ हमने पूजा किया था। और ये देखिए, ये है पूजा वाले रूम की रंगोली, छोटी सी रंगोली बनाई थी। और ये जहाँ हमने आंगन में बैठ के लक्ष्मी गणेश की पूजा की, वहाँ बनाई थी सारी रंगोलियाँ। बेटी उधर देखिए कि हम पूजा कर रहे हैं। पूजा का क्लिप हमने छोटा सा ही डाला है, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। और ये हमने पूजा पाठ करने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा दिवाली इंजॉय किया। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, और हम बस हल्का सा छुरछुरी सूप करने के लिए, क्योंकि हमें पटाखे उतने पसंद नहीं हैं। और देखिए बाहर का क्लिप, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोगों का दिवाली अच्छे से बीते। और अभी बज रहे हैं शाम के 8, और लगभग सब पूजा पाठ हो गया है। और शाम का नाश्ता शाम ही में बना दिए थे, ब्रेड रोल सब बच्चे खा लिए थे, और अभी खाना बनाना बाकी है। तो अभी 9 बजे बजेगा, क्योंकि प्रसाद खाने और पकौड़े खाने से सबका पेट हुआ। तो आप लोग दिवाली कैसे मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिवाली हमको सबसे अच्छा त्यौहार लगता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दीपों का त्यौहार है, और हमें दिए बहुत पसंद है, इसलिए हम दिए ज़्यादा सजाते हैं। आजकल तो सिर्फ लोग झालर लगा दे रहे हैं, अच्छा लगता है लेकिन। और देखिए हमारे गाँव में चारों तरफ जो है झालर लगा हुआ है, दियों से सजा हुआ है, सबका घर आज जगमग जगमग करता है। तो दिवाली, आप लोग की दिवाली बहुत ही अच्छे से बीते, तो एंजॉय करिए दिवाली, और फिर मिलते हैं। देखिए मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोग देखते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बस आप सब लोगों को एक बार फिर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो नमस्ते। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना एकदम न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो फिर बस हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए